हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज बहुत सर्दी है बाहर और अंधेरा है, एकदम धूप नहीं निकला है। आप देखिए अभी अराउंड 8:30 का टाइम है, तो मुझे बाहर काम करने का मन नहीं हो रहा है। ऑल तो मैं काम करूँगी बाहर, लेकिन थोड़ा धूप निकल जाए 11 के बाद ही बाहर के गार्डन में काम करूँगी। तो मैं अपने इंडोर प्लान्स में कुछ चेंजेस कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि प्लान्स इंडोर प्लान्स के बारे में बात करते हुए अपना लिविंग रूम का एक हाउस प्लान टूर भी आपको दे दूँ, क्योंकि हमेशा थोड़ा हाफ हाफ या थोड़ा थोड़ा ही दिखाती हूँ। तो आज जितने भी प्लान्स हैं मेरे लिविंग रूम में और एक पैसेज में, वो आपको दिखाऊंगी। तो हम लोग इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। यस, यहाँ पर सिर्फ मैंने एक एग्लोनीमा रखा है। और हाँ फ्रेंड्स, आज बाहर एकदम धूप नहीं है, अंधेरा है, तो आपको लाइटिंग अच्छा नहीं दिखेगा यहाँ पर वीडियो में भी, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ये एग्लोनीमा बहुत अच्छा से ग्रो होता है और ये लाइट इसके लिए सफिशियंट है। ये मुझे कैंडल्स बहुत पसंद है, तो कैंडल यहाँ पर, ये कैंडल वगैरह रहता है सिर्फ यहाँ पर। और भी एक तो प्लान रह जाता है इस जगह में, फिर मैंने आज एक्चुअली वाटरिंग के लिए कुछ प्लांट्स को वॉशरूम में भी रखा है। सुबह से मैं आज इंडोर प्लांट्स को ही देखभाल कर रही थी, इसीलिए जब भी मैं जिस प्लांट जिसके ऊपर काम करती हूँ उसी के ऊपर वीडियो बना देती हूँ, इसलिए मोस्ट ऑफ माई वीडियोज़ आर अनप्लान्ड, कोई प्लान करके नहीं करती हूँ मैं। तो यहाँ पर अच्छा से सेटल हो गया है। फिर यहाँ ये पोर्शन थोड़ा दिखा देती हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपके ये पानी कैक्टस और कुछ सकुलेंट्स ही है, ये देखिए। ये यहाँ पर एवरी वीक इसको मैं चेंज करती हूँ, क्योंकि इन सबको थोड़ा ज़्यादा लाइट चाहिए। तो कभी ये यहाँ पर सपोज इस वीक आ गया, तो नेक्स्ट वीक पोथोस के वैराइटीज़ आ जाएंगे, तो फिर नेक्स्ट वीक ये आ जाएंगे, ऐसे चेंज करती रहती हूँ। तो ये फिश टेल, फिश बोन कैक्टस का मैंने कटिंग से ग्रो किया था, अच्छे से ग्रो हो गया। तो ये यहाँ पर सिर्फ इतना ही है। उसके बाद देखिए, हम लोग घूम गए तो ये एग्लोनिमा को छोड़ के फिर आ गया हम लोग का जीजी प्लांट। यहाँ पर इस रूम में दो जीजी प्लांट है लंबा वाला, ये ऑलमोस्ट फुल पॉट है। मैं इस साइड से आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अब मैं मैक्सिमम प्लांट्स ऐसे रखती हूँ, ये हम लोग के यहाँ काफ़ी मिलता है बेम्बू से बनाया हुआ, इसके ऊपर रखती हूँ। तो और ये देखिए, इसका न्यू पत्ते का ग्लेज देखिए। उसके बाद ये स्टैंड आ गया, यहाँ पर ये आपका स्ट्रैगन फार्न, कुछ सेंसेवरिया, ये डिस्चिडिया को मुझे रिपोर्ट अर्जेंटली करना पड़ेगा। फिर ये काल जो मैंने हुआ रिपोर्ट किया था, ये एस्ट्रोफाइटम, यहाँ पर मैंने सिर्फ कुक काउडांग एंड पार्लाइट में लगाया है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, देखती हूँ कैसा चलता है। तो ये मैक्सिमम प्लांट्स आप फेमिलियर ही हैं इन सबसे। फिर मैंने एक वीडियो में बोला था ना कि मैं अभी हल्का हल्का करके रखती हूँ प्लांट्स, बहुत ज़्यादा ये नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्लांट्स को इंडोर रखने का ज़रूरत नहीं है सर्दी में। तो ये पोथोस हैं यहाँ पर, मार्बल क्वीन पोथोस हैं, कुछ स्नेक प्लांट्स हैं, ये ड्रेसिना के कुछ वेराइटीज़ हैं, लाइट के लिए शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर भी कुछ स्नेक प्लांट्स हैं, एक कैक्टस है। और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा टेबल है, यहाँ पर सिर्फ एक एग्लोनीमा है। इसमें अच्छा से स्प्रे वगैरह करने से इसका कलर बहुत सुंदर लगता है। तो अब मैं आज इसको करूँगी, इसको एक प्लास्टिक पॉट में है सिर्फ, फिर इसको मैंने इस यहाँ पर रख दिया है। फिर एक सामुराई यहाँ पर भी है, और ये मेरा वाटरिंग कैन है इंडोर प्लांट्स का। तो यहाँ पर ये है, फिर ये है, और फिर ये आ गया। उसके बाद ये देखिए, ये सुंदर सा रेटल स्नेक कलाटिया है, ये भी ऐसे ही रखा है मैंने इसके ऊपर, और ये बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है इस सीज़न में। जब हम लोग का कल ह्यूमिडिटी मैंने देखा है सिर्फ 57% है, तो भी अच्छे से ग्रो हो रहा है। वही वॉशरूम में मैं वीकली एक बार सबको शावर कराती हूँ, आज भी मैं कराऊँगी। तो फिर यहाँ पर भी और एक एग्लोनिमा है सेम वैसा ही टाइप का पॉट में, कलर डिफरेंट है। लिथॉप है यहाँ पर, लिथॉप मैंने देखा है यहाँ पर बहुत अच्छा से ये ग्रो कर रहा है, बहुत कम पानी चाहिए इसको, और ऊपर से तो एकदम नहीं पानी, आप नीचे से आप इसको पानी दीजिए लिथॉप को। फिर रिंग ऑफ फायर उस साइड विंडो में था, तब थोड़ा ज़्यादा धूप में ये थोड़ा जल रहा था देखिए, तो फिर मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इधर बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, न्यू लीफ भी निकल रहा है।
तो वही प्लान के नीड्स के बेस्ड ही आप प्लांट्स को इधर से उधर करना पड़ेगा। ये होया बहुत अच्छे से ग्रो हो गया, मैंने दो लीफ लगाया था, दोनों लीफ ही रूट्स वगैरह निकल गए हैं। और फिर ये स्टैंड तो आप ज़्यादा जानते हैं और हमेशा देखते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर नया तो उतना कुछ नहीं है, ये होया वगैरह ही है, होया स्नेक प्लांट्स सकुलेंट्स हैं, बहुत कुछ मैंने ऐड नहीं किया है यहाँ पर, पहले जो था वही था। कल जो मैंने सकुलेंट आप लोगों को दिखाया है, मैंने लिया था वही है। तो ये मैं थोड़ा दूर से दिखाती हूँ। फिर यहाँ पर ये देखिए, इसका हटा के थोड़ा दिखाती हूँ, थोड़ी ज़्यादा थोड़ा अगर आ जाए तो, ये एंथुरियम मेरा बाहर था और अच्छा से ब्लूमिंग वगैरह तो हो रहा है, लेकिन देखिए पत्ता थोड़ा जल रहा था डायरेक्ट धूप से, तो इसीलिए मैंने इसको अभी इधर रखा है एकदम दरवाजे के सामने, ताकि बहुत ब्राइट लाइट आए, एक डेढ़ घंटे का धूप भी आ जाए लेकिन ना जले। और देखिए नया पत्ता कितना सुंदर है इसका, और बहुत फूल खिलता है इसमें। इसको मैंने स्टैंड पे रखा है। फिर ये होया तो आप देखते ही हैं हमेशा यहाँ पर। उसके बाद ये एस्परेगस भी मेरे बरंदा के नीचे ही था, ये भी थोड़ा जलने लगा ऐसा लग रहा था, और तो एस्परेगस फुल सन में भी बहुत अच्छे से चलता है, तो मैंने अभी फॉर द टाइम भी यहाँ पर रखा है, देखती हूँ शायद इसका मिट्टी वगैरह थोड़ा चेंज करके भी देखूँगी। तो उसके बाद हो गया ना, यहाँ पर एक ये पोको है पोकेमोन, एंड देन यहाँ पर एक फिडल फिग है नहीं समझ रही है मैं किससे बात कर रही हूँ, और ये फिडल फिग तो बहुत सुंदर घना से अच्छा से ग्रो हो रहा है और बहुत ब्राइट लाइट में, लेकिन ये क्यों इधर से निकल गया मुझे पता नहीं तो बहुत स्ट्रेंज सा लुक आ गया, इसलिए इसको मैं कट कर दूँगी। देखिए ये कितना स्ट्रेंज लुक आ गया, ये कितना अच्छा है, फिर इधर से ये कि प्लांट में ये कहाँ से निकल गया। तो नहीं तो फिडल फिग को भी ब्राइट लाइट चाहिए। फिर यहाँ पर एक जीजी प्लांट है और एक, फिर ये स्टैंड मेरा ऊपर था जिस कॉर्नर पे था वहाँ पर एकदम धूप नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर ये बुद्धा जी के प्लांटर में जो पेशीरा है चाइनीज़ मनी ट्री वो लगा हुआ है। फिर यहाँ पर स्नैक प्लांट और कुछ सकुलेंट्स हैं, और ये फाइलेडोंडन हार्ट लीफ ग्रीन वाला, ये एक कैक्टस है नाम तो मुझे पता नहीं है, और ये एक एग्लोनिमा, मैंने इसको यहाँ पर रखा है, बाहर था ये लेकिन सीजनल प्लांट्स के साथ इसमें ज़्यादा पानी आ रहा था, ज़्यादा पानी मैं दे रही थी अनइंटेंशनली, हमेशा मैं भूल जाती थी, तो इसलिए मैं अभी इधर इसको इधर ले आई हूँ। अच्छा देखिए आप, ये बाहर एकदम धूप नहीं है फिर भी अच्छा लाइटिंग आ रहा है। फिर यहाँ पर सिर्फ एक ही स्नेक प्लांट है, ये भी आपने देखा है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। फिर यहाँ पर जो जीजी आपने देख, जिंजी जो ड्वार्फ जीजी है वो है काफ़ी बड़ा, फिर एक पानी में लकी बैम्बू है, एंड यहाँ पर एक ब्लैक जीजी है ये देखिए, और फिर यहाँ पर एक पाम है काफ़ी बड़ा ये देखिए, मैं थोड़ा दूर से दिखाती हूँ ये देखिए। तो मैं एक बार ऐसे ही घुमा देती हूँ, ये पाम और ब्लैक जीजी, फिर हम लोगों ने ये देखा, फिर ये आ गया, ऐसा हो गया, ये शेडो और पोको को देख लीजिए, फिर ये इतना ही प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा प्लांट नहीं है क्योंकि मैक्सिमम मेरे बरंदा में या फ्रंट में है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा कि ये छोटा सा प्लांट टूर आपको कैसा लगा, बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है क्योंकि मुझे लाइक ब्यूटी से ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि अपना प्लांट्स का हेल्थ, सो जैसे करके भी मुझे अपने प्लांट्स को हेल्दी रखना है, सो उस हिसाब से मैं इधर से उधर करती रहती हूँ। सो प्लीज़ यू नो मुझे बोलिएगा कि आपके प्लांट्स भी कैसे चल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।